क्या आप जानते हैं एक ऐसे पत्थर के बारे में जो देता है अंडे? क्या कौन सी है वो जगह जहां रहने वाले पिघल गए हैं सूरज की गर्मी से? क्या आपने कभी देखा है सांस लेती चट्टान को? मिलेगा सबका जवाब। आइए खोलते हैं अपने फैक्ट्स के खजाने को। फैक्ट नंबर वन, क्या आप जानते हैं दुनिया की 6 ऐसी जगहों के बारे में जहां मरना मना है? मौत इस दुनिया का सबसे बड़ा सच है। हम सबको एक ना एक दिन मरना है, परंतु दुनिया में 6 ऐसी जगह हैं जहां लोग मरते ही नहीं हैं। लोंगयीरबियन नॉर्वे, यहां लोगों के मरने के पहले ही दूसरे शहर ले जाया जाता है, क्योंकि यहां अत्यंत ठंड होने के कारण शव ना तो सड़ते हैं और ना ही नष्ट होते हैं। वायरस के खतरे के कारण यहां मरना मना है। फाल्सियानो डेल मैसिको, इटली, यहां के कब्रिस्तान के पूरी तरह भर जाने के कारण और ज्यादा बुजुर्गों के कारण डेल मैसिको के मेयर ने दूसरे शहर जाकर मरने की अपील की है। परंतु ऐसा नहीं है कि दुनिया में सिर्फ इन्हीं 2 जगह मरना मना है, इसके अलावा भी इत्सुकुशिमा जापान, सार्पोरेंक्स फ्रांस, सेलिया इटली और लेंजरोन स्पेन में भी मरना मना है। फैक्ट नंबर 2, क्या आप जानते हैं ऐसा पेड़ जिसे कहते हैं माखन की कटोरी? हम सब जानते हैं बटर यानी मक्खन दूध से बनता है, परंतु उत्तराखंड में एक ऐसा पेड़ पाया जाता है जिसे मक्खन का पेड़ कहा जाता है। इससे मक्खन जैसा पदार्थ निकलता है। इस पेड़ का वैज्ञानिक नाम फिकस बेंगालेंसिस है। कहते हैं भगवान कृष्ण मक्खन को चुरा कर इस पेड़ के पत्तों की कटोरी और चम्मच बनाकर खाते थे, इसलिए इस पेड़ के पत्ते कटोरी और चम्मच के आकार के हो गए हैं। जी हाँ, आज भी जब इस पेड़ के पत्ते नए होते हैं तो चम्मच और बड़े पत्ते कटोरी के आकार के होते हैं, जिन्हें तोड़ने से उनसे मक्खन निकलता है। फैक्ट नंबर 3, हम सब जानते हैं कि हर एक चीज की अपनी खास महक होती है, जैसे हर फूल, पत्ती, मसाले, जानवरों, यहाँ तक कि इंसानों की भी अपनी विशिष्ट महक होती है। वैसे ही हमारे उपग्रह चंद्रमा की भी महक है। जी हाँ, चंद्रमा से आए एस्ट्रोनॉट्स के मुताबिक चांद भी महकता है, परंतु चांद किसी फूल या इंसान की तरह नहीं, बारूद की तरह महकता है। फैक्ट नंबर 4, एक मशीन जो करती है मौत की भविष्यवाणी। जी हाँ, मौत ही नहीं, हार्ट अटैक आने का दिन और तारीख भी बताती है यह मशीन। मशीन लर्निंग नाम की यह मशीन गणितीय नियमों और डेटा एनालिसिस के जरिए यह अनुमान लगाती है। हाल ही में 950 मरीजों के ऊपर उनके जीवन से जुड़ी 85 चीजों के ऊपर शोध किया गया। 6 साल के शोध में 24 लोगों को हार्ट अटैक आए और 49 लोगों की मौत हुई, और इसकी सटीक भविष्यवाणी मशीन लर्निंग ने पहले ही कर दी थी। इस शोध को लॉगिट बूस्ट कहा गया। फैक्ट नंबर 5, एक ऐसी जगह जहां पेड़ों को दी जाती है इंसानी शरीर की खाद। जी हाँ, इंडोनेशिया के एक आइलैंड ताना तोराजा में कोई बच्चा जिसके दांत निकलना शुरू ना हुए हो कि अगर मृत्यु हो जाती है तो उसे बड़े पेड़ के तने में सुराख कर अंदर डाल दिया जाता है। कुछ समय में पेड़ बच्चे के चारों ओर रिग्रो हो जाता है और बच्चे को पूरी तरह एब्जॉर्ब कर लेता है। फैक्ट नंबर 6, क्या आप जानते हैं पाकिस्तान बिहार में है? जी हाँ, आपने सही सुना, भारत के बिहार राज्य में है पाकिस्तान। दरअसल बिहार के पूर्णिया जिले में एक जगह का नाम पाकिस्तान है। यहाँ 1200 की आबादी है और इस पाकिस्तान में रहने वाले सारे लोग हिंदू हैं। यहाँ आजादी के पहले पाकिस्तान के लोग रहते थे, जिन्हें बाद में कहीं और भेज दिया गया, परंतु इस जगह का नाम पाकिस्तान ही रह गया। फैक्ट नंबर 7, भारत की एक ऐसी जगह जहाँ भाई बहन का साथ जाना मना है। क्या आप जानते हैं भारत में स्थित रावण की मीनार के बारे में? उत्तर प्रदेश के जालौन में 210 फीट ऊंची लंका मीनार है। इसमें रावण के पूरे परिवार का चित्रण है। इसकी खास बात है कि इस मीनार में भाई बहन का एक साथ जाना मना है। इसका निर्माण 1875 में मथुरा प्रसाद निगम, जो कि रामलीला में रावण का किरदार निभाते थे, करवाए थे। इसे बनने में 20 साल लगे थे। चूंकि मीनार को चढ़ने में 7 चक्कर लगते हैं, इसलिए इसमें भाई बहन का साथ चढ़ना मना है। फैक्ट नंबर 8, आपने शायद ही कभी सुना होगा कि किसी पेड़ को गिरफ्तार किया गया, परंतु एक पेड़ ऐसा है जो पिछले 123 सालों से गिरफ्तार है। जी हाँ, 1898 में जेम्स स्क्विड नाम के ब्रिटिश अफसर को नशे में लगा कि एक बरगद का पेड़ उसकी तरफ बढ़ रहा है, तो उसने अपने सिपाहियों से उसे गिरफ्तार करने को कहा। आश्चर्य है कि पाकिस्तान के लैंडी कोटल इलाके के इस जंजीरों से बंधे बरगद के पेड़ की गिरफ्तारी आज भी चल रही है। फैक्ट नंबर 9, खूबसूरत बनाने वाली बीमारी। बीमारी का नाम सुनते ही शरीर को विकृत या बदसूरत होने की कल्पना हो जाती है, परंतु एक ऐसी बीमारी भी है जो व्यक्ति को खूबसूरत बना देती है।
यहाँ तक कि इससे ग्रस्त लोग बार्बी डॉल को भी मात देते हैं। कैलिफोर्निया में रहने वाली एम्बर गुजमान इसी बीमारी की वजह से बिना सर्जरी ही डॉल जैसी दिखने लगी हैं, जबकि लोग ऐसा लुक पाने सर्जरी में लाखों रुपए खर्च कर देते हैं। इस बीमारी का नाम मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है। फैक्ट नंबर 10, क्या आप जानते हैं जिस तरह इंसानों का कब्रिस्तान होता है उसी तरह अंतरिक्ष यानों मतलब स्पेस शिप्स का भी कब्रिस्तान होता है। स्पेस शिप्स के सबसे बड़े कब्रिस्तान का नाम पॉइंट नेमो है। यह धरती पर मौजूद जमीन से सबसे दूरी की जगह है। जब कोई सैटेलाइट या स्पेस शिप रिटायर हो जाता है तो उसे नेमो पॉइंट में गिराया जाता है। यहाँ 350 से 400 अंतरिक्ष यान आज तक नेमो पॉइंट के पानी में समा चुके हैं। फैक्ट नंबर 11, आखिर क्यों सिर्फ 6, 7, 8 और 9 से ही शुरू होते हैं मोबाइल नंबर। आमतौर पर हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, परंतु अगर आप गौर करेंगे तो पाएंगे कि भारत में हर मोबाइल नंबर सिर्फ 6, 7, 8 या 9 से ही शुरू होता है। क्या कारण है कि 1 से 5 में से किसी भी नंबर से मोबाइल नंबर शुरू नहीं होता? दरअसल भारत में 1 से शुरू होने वाले नंबर सरकारी सेवाओं के लिए है। पुलिस, फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस जैसी सुविधा के लिए जारी नंबर 1 से शुरू होते हैं। वहीं 2 से 5 के बीच के नंबर्स लैंडलाइन के लिए बुक हैं। इसी वजह से मोबाइल नंबर इनसे शुरू नहीं होते। फैक्ट नंबर 12, आज का यह फैक्ट आपको हैरान परेशान करने के साथ ही अचरज में डाल देगा। दुनिया का सबसे छोटा सीरियल किलर जिसे हत्या करने में आता था मजा। बिहार के बेगूसराय जिले में जन्मा अमरजीत सदाम महज 8 साल की उम्र में खूनी बन गया था। 2007 में अमरजीत ने गांव के कई बच्चों के साथ अपनी 6 महीने की बहन की हत्या भी कबूल की थी। अमरजीत ने पूछताछ में पुलिस को बताया कि उसे लोगों को मारने में मजा आता था और सबसे आश्चर्य की बात कि हर गुनाह कबूलने के पहले वह बिस्किट मांगता था। पुलिस की डांट का भी इस मासूम क्रिमिनल पर कोई असर नहीं पड़ता था। फैक्ट नंबर 13, आपने आज तक अंडे देने वाले पक्षी, जानवर, जीवों के बारे में बहुत सुना होगा, परंतु क्या आपने कभी अंडे देने वाले पत्थर के बारे में सुना है? जी हाँ, अंडे देने वाले इस पत्थर को चैन डेन या के नाम से जाना जाता है। यह चीन के गिझोऊ प्रांत में स्थित है। यह पत्थर 500 मिलियन या 50 करोड़ साल पुराना है। यह बड़ा सा पत्थर कई छोटे बड़े अंडाकार पत्थर समय समय पर खुद में से पैदा करता रहता है। कई लोगों का यह मानना है कि यह पृथ्वी का हिस्सा नहीं है, अंतरिक्ष में किसी दूसरे ग्रह से टूटकर यहां गिरा है। फैक्ट नंबर 14, धरती पर कई ऐसी जगह हैं जहां पर अत्यधिक सर्दी या अत्यधिक गर्मी जैसे प्रकृति का प्रकोप रहता है, पर धरती पर एक जगह ऐसी भी है जहां रहने वाले धूप की वजह से पिघल रहे हैं। सुनने में आपको अजीब लग सकता है, परंतु ब्राजील के साओ पाउलो में स्थित अरारस गांव के लोगों की त्वचा पिघल चुकी है। वैसे इसमें सूरज की कोई गलती नहीं है, क्योंकि 800 की आबादी में से 600 लोग एक दुर्लभ बीमारी जेरोडर्मा पिगमेंटोसम से ग्रसित हैं, जिसमें लोगों की त्वचा पिघल जाती है। परंतु आश्चर्य की बात है कि यह दुर्लभ बीमारी लाखों लोगों में से एक को ही होती है, परंतु यहां तो लगभग पूरा गांव ही इससे ग्रस्त है। फैक्ट नंबर 15, क्या आप जानते हैं ऐसी चट्टानें जो सांस लेती हैं? जी हाँ, आपने सही सुना। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में वेगुर्ला के तट पर निवति रॉक्स नाम की चट्टान को आप सांस लेते देख सकते हैं, और यह सांसें हवा में कई फुट ऊपर तक उठती हैं। दरअसल लहरों के उतार चढ़ाव से बनने वाले जेट के कारण ऐसा प्रतीत होता है जैसे निवति रॉक्स सांसें ले रही हैं। यदि आपको आज कुछ नया जानने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और आगे भी ऐसी ही अमेजिंग जानकारियों के लिए हमारे पेज को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।